हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी लगातार करते रहिए। दोस्तों, आज का जो हमारा डिफेंस स्टडी का टॉपिक है वो है भू स्ट्रेटेजिक विचारक। आज बात होगी मैकेंडर की और उनके द्वारा दिए गए हार्टलैंड सिद्धांत की। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल वर्क की वीडियो कब बनाएंगे। आप देखिए, दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं चल सकते, एक को तो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। डिफेंस को मैं पहले कंप्लीट करूँगा, उसके बाद सोशल वर्क, और हो सकता है सोशल वर्क से भी पहले मैं डिफेंस करूँ। तो सोशल वर्क मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, सोशल वर्क मैं नहीं कराऊंगा, अभी नहीं करा सकता भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दोनों चीज़ों को मैं एक साथ लेके चल सकूँ। डिफेंस पे ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, तो पहले हम पूरा डिफेंस कवर करेंगे। अभी तो फर्स्ट पेपर है, इसमें इतना ज़्यादा वर्डन नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन सेकेंड पेपर जब मैं कराऊंगा डिफेंस का तो बहुत ज़्यादा वर्डन होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है करंट को भी ऐड करना पड़ता है, तब उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है जाने वाला है। तो अभी अगर मैं सोशल वर्क साथ में एक दो वीडियो डाल भी दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक दो वीडियो से क्या होने वाला है। तो ये है कि जब भी मैं शुरू करूँगा तो कंटिन्यू करूँगा। बस ये है कि आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, और जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं सोशल वर्क को जरूर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिलहाल आज देखते हैं भू स्ट्रेटेजिक विचारक। दोस्तों, बात आती है मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की। तो मैकेंडर के बारे में बता दूं तो ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने यूरोपीय जो इतिहास रहा है उसको बताया है कि वह स्थल और समुद्री जो संघर्ष है उसका परिणाम रहा है। और उसके बाद वो विश्व भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, पहला है विश्व द्वीप और दूसरा है अपतटीय क्षेत्र। विश्व क्षेत्र में, सॉरी, विश्व द्वीप में जो रीजन्स आते हैं वो हैं यूरेशिया और अफ्रीका, और अपतटीय क्षेत्र में जो आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। विश्व द्वीप में जहाँ दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका है 7/8, और जनसंख्या यहाँ जो रहती है वो रहती है 3/4, जबकि अपतटीय क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वो 1/8 है और जनसंख्या जो है वहाँ 1/4 रहती है। मैकेंडर मर्केटर शेप पे जब इसको बांटते हैं तो उसको तीन भागों में बांटते हैं, पहला धुरी क्षेत्र, दूसरा आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र और तीसरा है बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र। धुरी क्षेत्र में जब इनको बांटते हैं तो इन्होंने जो चार रीजन बताए हैं, ये जो आप रेड कलर का जो यहाँ पर हार्टलैंड जो पूरा देख रहे हैं यही आपका धुरी क्षेत्र है, जितना ये पूरा रेड रेड रीजन जो है इसमें कहते हैं वो आर्कटिक जो होगा नॉर्थ में होगा, और वोल्गा जो रिवर है, ठीक है, रशिया की, वो जो है इसका एकदम जो पश्चिमी भाग होगा, और शाइवेरियन जो होगा ये इसका पूर्वी भाग होगा, और हिमालयन जो होगा इसका साउथ पार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन है ये धुरी क्षेत्र का है, और ये जो रीजन है ये पूरी तरह से समुद्र जैसे दिख रहा है आपको कि समुद्र से ये बहुत एकदम दूरी पर है, इसका समुद्र से कोई लिंक है नहीं। दूसरा बात करते हैं वो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत जो आता है यूरेशिया अफ्रीका आता है। आप ये इसके बाद जो ब्लू रीजन आप ये सारा देख रहे हैं ये पूरा जो है आंतरिक अर्धचंद्राकार का जो क्षेत्र है ये वाला ये क्षेत्र माना जाता है। और ये क्या है कि ये रीजन जो है बीच बीच में क्या है समुद्र से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ में नदियों द्वारा भी समुद्र से ये जुड़ा हुआ है। तीसरी बात जब आती है वाय अर्धचंद्राकार क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है। आप ये जो अपतटीय क्षेत्र हैं यानी कि ये सारी कंट्रीज हैं आप देख रहे हैं, पूरी पूरा पूरा महाद्वीप जो है और पूरा पूरा कंट्री जो है एकदम समुद्र से ये लगता हुआ है, तो ये जो है पार्ट है वाय अर्धचंद्राकार की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हृदय स्थल सिद्धांत के तीन चरण हैं। पहला है 1904 में प्रतिपादित धुरी क्षेत्र, दूसरा है 1919 में प्रतिपादित हृदय स्थल की सामरिक की परिकल्पना, और तीसरा जो पार्ट है वो 1943 में प्रतिपादित मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना आई थी। उसमें मैं आपको रीजन वाइज यहाँ दिखा सकता हूँ कि फर्स्ट जो बताया गया है वो ये है 1904 में जो बात हुई है, ठीक है। उसके बाद में 1919 में जो आपको ये ब्लू रीजन की जो हो रही है बात, ये इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर ये यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आप, ये जो रीजन जो है बढ़ाया गया है ये 1919 में जो है बढ़ाया गया, और उसके बाद में कुछ रीजन जो ऐसा था जो 1904 का था उसमें कुछ बदलाव किया गया था। आगे मैं बताऊंगा आपको सारे रीजन बारे में, लेकिन एक थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए, उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा।
ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा बढ़ाया गया था 1919 में, जबकि ये जो था 1904 में ये सारा रीजन जो था यही होता था। उसके बाद में जब बात आ जाती है 1943 की, तब यहाँ मिडलैंड बेसिन की बात आती है, फिर ये जो रीजन आप ये पूरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये मिडलैंड बेसिन पे ये डाल दिया जाता है। तो उसमें फिर कुछ पार्ट जो है निकाल दिया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 1904 में प्रतिपादित जो धुरी क्षेत्र का जो सिद्धांत था उसके बारे में। तो आप ये जो रेड कलर का जो एरिया है वो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये धुरी क्षेत्र था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा लैंडलॉक्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये समुद्र है भी, लेकिन यहाँ पर जो है ये बारोमास जो है ये जमा रहता है बर्फ से, तो एक निर्जन एरिया है ये पूरा। तो वहीं बताया गया कि नॉर्थ में जो होगा वो आर्कटिक क्षेत्र होगा, और आपका पूर्व में जो है साइबेरियन है, और साउथ में जो है वो हिमालयन रीजन पड़ता है। साथ में ये पश्चिम का जो वोल्गा का एरिया जो बताया है उन्होंने, ये जो है स्टेपी घास का मैदान है, तो यहाँ पैदावार अच्छी खासी होती रहती है गेहूँ वगैरह की। तो काफ़ी जो है काफ़ी धन्य है इन सारी चीज़ों में ये अनाज के उत्पादन के लिए। तो होता क्या था, जो तुरानी कबीला ही होते थे, ठीक है, घोड़े से आक्रमण करते थे इस रीजन पर, और कहा जाता था उस टाइम कि इस रीजन पे जो जिसका प्रभाव इस रीजन पे है वो विश्व पे अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। बदलाव ऐसे हुआ कि 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन ने नौसैनिक शक्ति का विकास करना शुरू कर दिया, तो ये जो रीजन है जहाँ ये आप ब्लू कलर का आप जो रीजन देख रहे हैं, आंतरिक अर्धचंद्रागार का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा जो है ब्रिटेन के कब्जे में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है चुनौती देने लगा धुरी क्षेत्र को अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर। तो वहीं पर इसका जो प्रभाव था थोड़ा कम होने लगा यहाँ से, लेकिन बाद में मैकेंडर कहते हैं कि अगर रेल का विकास कर लिया जाएगा तो हम जो है इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और फिर से आंतरिक अर्धचंद्राकार की जो देश हैं इनको हम चुनौती एक बार से दे सकते हैं। दोस्तों धुरी क्षेत्र के बाद अब जो बात आती है वो आती है 1919 प्रतिपादित हृदय स्थल सिद्धांत की। तो यहाँ पर जो हुआ कि मैकिंडर जिसको पहले धुरी क्षेत्र बोलता था अब उसको हटलैंड एरिया बोलने लगा। ये बदलाव इसलिए हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट, तो मैकिंडर ने देखा कि जर्मनी ने जो है पूर्वी जो यूरोप है उसको अपने प्रभाव में ले लिया, जिसमें बाल्टिक सागर, काला सागर, टर्की, ये सारे के सारे रीजन इसमें जो है आते थे। तो मैकेंडर ने फिर क्या अपने सिद्धांत को बदला, और मित्र राष्ट्रों को खतरे से बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि जो धुरी क्षेत्र है उसको थोड़ा बढ़ाया उसने, जैसे यहाँ पर जो मैं ये दिखा हुआ है 1919, तो ये वाला जो रीजन है इसमें आपका बाल्टिक सागर जो है वो आता है, काला सागर आता है, डेन्यूब नदी आती है, टर्की का जो जलमरुद जो है वो इसमें आता है। तो इस रीजन को इसने बढ़ाया, फिर इसने इस रीजन का नाम जो चेंज करके धुरी क्षेत्र से इसका हार्टलैंड एरिया बोला। और ये देखिए ये पार्ट है कहाँ का, ये पूर्वी यूरोप है। तब वो कहता है कि पूर्वी यूरोप की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पूर्वी यूरोप को जो अपने प्रभाव में रखेगा वो पूरे हार्टलैंड को अपने प्रभाव में रखेगा, और जो हार्टलैंड पे प्रभुत्व तो अपना स्थापित रखेगा वो विश्व द्वीप पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित रखेगा, और जो विश्व द्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखेगा वो वर्ल्ड पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखेगा। ये संकल्पना इन्होंने अपनी इस थ्योरी में दी। दोस्तों बात आती है 1943 की। एक बार फिर से मैकिंडर ने वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम उन्होंने इस जो अपना परिकल्पना थी उसमें थोड़ा सा संशोधन उन्होंने फिर किया। इस बार उन्होंने क्या किया कि साइबेरिया का ऊबड़ खाबड़ जो एरिया था इसने अपने हार्टलैंड सिद्धांत से इसको बाहर निकाल दिया। अब इन्होंने एक नई परिकल्पना की जिसका नाम उन्होंने दिया कि मिडलैंड बेसिन का। उन्होंने कहा कि मिडलैंड बेसिन इसमें इसलिए उन्होंने दिया, उन्होंने कहा था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य बेसिन में यानी कि इस एरिया में एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का विकास हो रहा है, और ये जो है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच में होगा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच में तो लगातार सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आगे कहते हैं कि भविष्य में यही मिडलैंड बेसिन की जो पावर है ये जो है अटैक करेगी किस पे, हार्टलैंड बेसिन पर या हार्टलैंड एरिया पर, ठीक है। तो अब यहाँ ये और इनकी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गया था उसके बाद भी लगातार 1990 तक अमेरिका और जो है रूस का ही प्रभाव दुनिया पर सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का प्रभाव था, इन्हीं के बीच में लड़ाई हो रही थी, और वर्ल्ड को जो एक पावर बैलेंस था ये इन लोगों के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है,
कहीं किसी देश पर अगर कोई कुछ अटैक करना हो या कुछ भी है, तो एक देश उसको अटैक के लिए बोलता था तो दूसरा कहता था कि नहीं, हम अटैक नहीं होने देंगे, हम इसकी हेल्प करेंगे। तो जो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से बोला था, तो उन्होंने बोला था इसको कि मिडलैंड बेसिन, और यहाँ पर जो है इसका जो नाम दिया गया था, रूस का जो रीजन अब है उसको हृदय स्थल बोला था उन्होंने। तो फाइनली उसको चुनौती दी गई, ये बात उनकी एकदम सही हुई। दोस्तों अब हम लोग मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। तो मैकेंडर ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें, उसके द्वारा इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो यूरोपीय इतिहास रहा है वो समुद्री और स्थल शक्तियों के बीच का संघर्ष का परिणाम है। वहीं पर स्पाइकमैन, हॉक और मीनिंग जैसे आलोचक इनकी इस बात का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। वो स्पाइकमैन सबसे पहले कहते हैं कि जो रिमलैंड सिद्धांत के अंतर्गत जो इतिहास इनका बताया है उन्होंने अपना, तो कहते हैं नहीं, ये मिश्रित प्रकार का संघर्ष था, इसमें सिर्फ स्थल और समुद्री संघर्ष ही नहीं था, और भी बहुत सारे संघर्ष थे। तो इसके बाद आगे स्पाइकमैन कहते हैं कि जो वास्तविक शक्ति है वो हर्डलैंड में ना होके, इसमें ना होके वो रिमलैंड में है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैकेंडर ने जिसको आंतरिक अर्धचंद्राकार एरिया कहा है, उसी एरिया को स्पाइकमैन ने रिमलैंड कहा है। और वो कहते हैं कि जिसका प्रभाव इस रिमलैंड एरिया पर रहेगा उसका प्रभाव पूरे यूरेशिया में रहेगा, और जिसका प्रभाव पूरे यूरेशिया में रहेगा वो विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी शक्तियां हैं, उनके क्या किया, रिमलैंड जो ये एरिया है इसके साथ उन्होंने क्या किया, अपने समझौते कर लिए। जैसे मान लो आपको नाटो, सीटो वगैरह, ये सब इनका निर्माण किया गया। इससे हुआ क्या कि हर्टलैंड एरिया मतलब जो है इसकी जो पावर थी वो, इसका विस्तार आगे हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये सारे एरिया जो है किसने प्रभाव लिए, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने अपने प्रभाव में ले लिए, जिससे क्या हुआ, रूस अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर पाया। दोस्तों स्पाइकमैन के बाद में हाक जो आलोचना करते हैं मैकेंडर की, वो कहते हैं अटलांटिक महासागर पर अमेरिकी नेतृत्व में एक बड़ी शक्ति का विकास हो रहा है, ठीक है, उसकी मैकेंडर ने उपेक्षा की है। जबकि अगर देखा जाए तो उनकी ये बात एकदम सही नहीं है, क्योंकि मैकेंडर ने मिडलैंड बेसिन के सिद्धांत में इस दोष को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मिडलैंड बेसिन में एक शक्ति का विकास इस तरह से हो रहा है कि वो आगे जाके हर्टलैंड एरिया को जो है अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेगी या उसको चुनौती देगी। तो अंत में हम देखें तो उपरोक्त आलोचनाएं जो हैं वो अपनी जगह सही हो भी सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से वो मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत को नकार नहीं सकती, उसके महत्व को कम नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाए, बाद में अगर हम देखें तो यूरोपीय जो इतिहास रहा है, तो स्थल और समुद्री शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसका परिणाम हम कह सकते हैं, हाँ रहा है कुछ हद तक उसके प्रभाव में। और उसके बाद अगर देखें तो 1991 तक, जब तक रूस का विघटन नहीं हो गया था, तब तक जो थ्योरी दी थी मैकेंडर ने अपनी, वो कुछ हद तक सही भी थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं हम लोग। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, बताइए। थैंक यू।